हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ एनडीए पोर्टल। और जो हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो पार्ट चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ पे मेरा नाम है आकाश और आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज जो हम नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फ्रेश कॉम्बिनेशंस। सो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और शुरुआत करते हैं अपना लेक्चर। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्बिनेशन का लेक्चर और समझते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। अभी हमने पिछले वीडियो में जो परम्यूटेशन अभी तक कवर किया उसमें हमने पढ़ा था कि चीज़ों को हम अरेंज करते हैं, वो एक अरेंजमेंट प्रोसेस होता था। और उसमें हमने ये भी कहा था कि वो एक वहाँ पे जो होता है ऑर्डर बहुत मैटर करता है, किस वे में अरेंज है, मतलब कौन से ऑर्डर यानी किस जो ऑर्डर फिक्स होता है उसमें जो अरेंजमेंट होती है वहाँ पे ऑर्डर की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसका उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने कल वीडियो के लास्ट में आपको बोला था किस तरीके से उल्टा होता है, वहाँ आज डिस्कस करते हैं उस चीज़ पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कॉम्बिनेशन, और दूसरी जो प्रोसेस यहाँ पे होता है सिलेक्शन के बाद यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन लगती है वो ये लगती है कि ऑर्डर डजंट मैटर। यहाँ पे चीज़ों का ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है कि कितने चीज़ों को हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं उससे चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे हम साइड में एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 लेटर्स हैं, ठीक। अब हमसे अगर कहा जाए यहाँ पे कि इन हाउ मेनी वेज दैट वी सेलेक्ट टू नंबर्स आउट ऑफ 4, हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है हमारे सामने कि हम इन 4 लेटर्स में किन्हीं आर ऑब्जेक्ट्स जिसकी वैल्यू यहाँ पे हम 2 मान रहे हैं, क्योंकि हमारे अगर हम अभी तक हमने परम्यूटेशन में बिल्कुल आइडियल वे में पढ़ा था, यहाँ पे हमें पता है कि n की जो वैल्यू है वो 4 है, पता है हमें। अब हमें यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं कि हमें कोई भी 2 लेटर्स को मतलब 2 नंबर्स को निकालना है, 2 नंबर्स को निकालना है और हमको कॉम्बिनेशन पता करना है कितने तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, सेलेक्ट कितने तरीके से कर पा रहे हैं। सो यानी हमें आर की जो वैल्यू है वो 2 है यहाँ पे। ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन हो गई, किस तरीके से एन एंड आर की जो रूल होता है वो यहाँ कॉम्बिनेशन में भी फॉलो होता है। बस चेंज क्या होता है, यहाँ पे हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं, क्लियर होगी बात। 1, 2, 3 हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, ठीक। अब हमें कहा जाता है कि हम इनमें से कोई भी दो लेटर या फिर 2 नंबर यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं। तो हम करते हैं, पहले हम ये कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी दो नंबर में सेलेक्ट करना है कितने तरीके से। तो पहला नंबर हो सकता है 1, 2, ठीक, सेलेक्ट करना है। और दूसरा नंबर क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2 तो यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो अगला चीज आएगा वो 2, 3 सेलेक्ट हो सकता है, 2 नंबर। और फिर उसके बाद जो नंबर आया वो हो सकता है 1, 3। क्या इसके अलावा कोई और नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है जो हम सेलेक्ट कर पाएँ। अभी तक हमने परम्यूटेशन में जो चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे हम अरेंजमेंट करते थे चीज़ों का, यहाँ पे एक बार हमें सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना। अरेंजमेंट में क्या होता था, यहाँ पे अगर हमने 1, 2 चुना तो उसको अरेंज करके इसके ऑर्डर को इंटरचेंज करके वहाँ 2, 1 भी एक सिलेक्शन, मतलब 2, 1 भी एक उसमें से पार्ट आ जाता था, मतलब 2, 1 भी एक तरीके का अरेंजमेंट हो जाता था वहाँ पे, वो भी एक परम्यूटेशन निकल आता था। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ चीज़ों को सेलेक्ट करना है, ना कि उनका ऑर्डर चेंज करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर एक बार हमने कोई चीज़ सेलेक्ट कर लिया सो वहाँ पे उसके बाद उसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। हमने यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2, 1, 2 की जगह 2, 1 सेलेक्ट किया होता तो वो 2, 1 ही होता, फिर 1, 2 नहीं होने वाला होता। यानी इसका इंटरचेंज नहीं होता है, चीज़ों को बदलते नहीं है। मतलब अगर हम 1, 2 की जगह 2, 1 कर दें तो इसका कोई भी यहाँ पे चीज़ मैटर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं उससे चीज़ें और समझ में आएंगी। हम मानते हैं हमारे पास एक सर्किल है, उसमें हम कोई भी 3 पॉइंट P1, P2, P3 यहाँ पे कुछ थोड़े से डिस्टेंस पे हम उनको पॉइंट करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम कहते हैं कि इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वे दैट वी मेक द कॉर्ड, मतलब हम इसमें कितने सारे कॉर्ड्स बना सकते हैं। कॉर्ड हमें पता है किसी भी 2 पॉइंट को अगर हमें ज्वाइन कर दे सर्किल के इनर में जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। डायमीटर भी हमारा एक कॉर्ड होता है, ये आपको पता होगा। सो यहाँ पे अगर हम कॉर्ड बनाते हैं कोई भी 2 लाइन को चूज करके, यहाँ पे 2 पॉइंट को चूज करके, तो हमारे कितने कॉर्ड्स बनते हैं यहाँ पे देखते हैं। एक कॉर्ड हमारा ये बना P1 से P2, एक कॉर्ड हमारा बनता है P3 से P2 तक, ठीक, और एक कॉर्ड बनता है P3 से P1 तक। इसके अलावा कोई कॉर्ड बनेगा हमारा यहाँ पे? नहीं बनने वाला है, क्योंकि कोई ज्वाइनिंग लाइन और बची ही नहीं है। सो हमारे पास यहाँ कितने कॉर्ड्स बने, 1, 2 एंड 3, देर आर 3 कॉर्ड्स, ठीक।
अब हम यहाँ से आपको एक चीज़ कहें, इसे परमुटेशन थोड़ा सा आपके अंदर अगर आपके पास ये कंफ्यूजन आ रही हो कि यहाँ पे क्यों कॉम्बिनेशन की प्रोसेस लगेगी, क्यों परमुटेशन यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या मिला, तीन कॉर्ड्स मिले, ठीक है। हम अगर कहें ऐसे P1 P2 एक कॉर्ड मिला जो ज्वाइन किया, उसके बाद अगला जो मिला हमें मिला P2 P3 मिला, उसके बाद जो अगला मिला P3 P1 मिला, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि चलिए ठीक है, आपका कहना मैं मानता हूँ यहाँ पे कि परमुटेशन क्यों नहीं लगा, परमुटेशन चलिए हम लगाते हैं, अगर समझते हैं तो क्या यहाँ पे कोई, क्या आपके पास कुछ और सिलेक्शन की प्रोसेस आई यहाँ पे। अगर हम मानते हैं P3 P1 को अगर हम लिख दें फिर एक अलग, अगर परमुटेशन हमारा होता तो उसको अरेंज करते हम, तो यहाँ पे P1 P3 लिखते, लेकिन क्या P1 P3 लिखने के बाद क्या हमें कोई और कॉर्ड मिला, यानी कोई और वे उसमें ऐड हुआ? नहीं, वहाँ पे अभी भी तीन ही कॉर्ड है, यानी चाहे हम P3 P1 लिखें चाहे P1 P3 लिखें, हमारे पास वो जो नंबर ऑफ कॉर्ड्स है वो चेंज नहीं होने वाले, वो 3 के 3 रहेंगे। यानी यहाँ पे चीज़ों का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिंपली हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो P3 P1 हो या फिर P1 P3 हो, दे आर बोथ आर इक्वल। सो वही कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बताया था 1 2 3 की, चाहे यहाँ पे 1 2 आप एक बार सेलेक्ट करें, चाहे आप 2 1 सेलेक्ट करें, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों में, क्योंकि कॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है वहाँ 1 2 या फिर 2 1 कोई मैटर नहीं करता, दोनों ही चीज़ें इक्वल होती हैं। तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सो अपने फॉर्मूले की तरफ अगर बढ़ें आगे तो पता चलता है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स व्हेन आर थिंग्स आर टेकिंग एट ए टाइम। यहाँ पे बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे परमुटेशन में लगाते थे कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग व्हेन आर थिंग्स आर टेकन एट ए टाइम, तो NPR का फॉर्मूला होता था, उसके आगे फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाता था। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पे हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं कितने वे में, कॉम्बिनेशन में। सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको चीजों को और समझ में आएंगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 10 है एंड r की वैल्यू 4 है, यानी हमारे पास कोई 10 डिफरेंट थिंग्स है, उसमें हमें फोर थिंग्स हमें एट ए टाइम कंसिडर करनी है और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। सो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, 10C4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। आगे बढ़ें अगर, सो हम इसको सॉल्व करें अगर आगे तो क्या मिलेगा, फिर उसके आगे हम 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, 10 − 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, जो हमारी वैल्यू आएगी 10 × 9 × 8 × 7 / 4 × 2 × 3 × 2। सो यहाँ पे कैंसिल आउट होंगी चीज़ें और जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 210, यानी 210 वे से हम चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर एट ए टाइम हम ले रहे हैं तो कितने वेज, 210 वेज। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उसका थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो पहला फॉर्मूला निकल के आता है वो आता क्या है, NCN इज इक्वल टू NC0 विच इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम कोई भी चीज़, हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं उनमें से हम सभी को ही सेलेक्ट करना हो, सो हम कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास वन वे होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, छोटी चीज़ को समझ लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि हमें तीनों को ले लेना है एट ए टाइम, थ्री को, तीनों चीज़ों को ले लेना, तो हम कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमें पता है कि यहाँ पे तो अरेंजमेंट प्रोसेस होती नहीं है, तो हम तीनों को सिर्फ एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3, ये जो इसकी कॉम्बिनेशन जो बन रही है। सो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई मैटर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो सिर्फ एक ही तरीके से अगर तीनों को हमें सेलेक्ट करना हो, तीन ही हमारे पास नंबर, तो वन यानी एक ही अरेंजमेंट फॉलो हो सकती है। जो हमारी अगली पॉइंट निकल के आती है, NCR इज इक्वल टू NCN − R। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर हम लेते हैं मान लीजिए कोई एक वैल्यू लेते हैं, जैसे बड़ी बड़ी वैल्यूज अगर हमें लेनी पड़े, जैसे हमको पता है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है बहुत बड़े हो जाते हैं। सो एग्जांपल अगर हम लें कि 10C8 की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, सो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी बहुत बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जैसे 10C8 हो गया आपका, 10C2 हो गया, तो इन 10C8 को हम 10C2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 10C2 होगा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10C 10 − 2,
क्योंकि वो 8 के इक्वल हो जाएगा। सो ऐसे प्रोसेस जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम इनको इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में, इन इक्वेशंस को छोटा बना लेते हैं। सो इतनी सी बात है, यहाँ पे ये चीज़ें इक्वल होती हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे हमारी जो तीसरी कंडीशन आती है एन सी एस एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन या फिर एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि किसी, मान लेते हैं कि हमारे पास एन डिफरेंट थिंग्स हो, उनमें से चाहे हम एन में से कोई एक्स और एक्स का निकालते हैं कॉम्बिनेशन, और किस उसी सेम एन डिफरेंट थिंग्स में से किसी वाई का निकालते हैं, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल आता है। सो वो इक्वल तभी आएगा जब एक्स और वाई, यानी जो दोनों आर डिफरेंट थिंग्स हमने लिए उसका जो एडिशन हो वो टोटल एन डिफरेंट थिंग्स में आ जाए, या फिर एक्स इज इक्वल टू वाई हो। वो तो हमें पता ही, अगर दोनों ही आर की वैल्यू अगर सेम होगी तो ही ऐसी कंडीशन इक्वल हो सकती है। अनदर दूसरी कंडीशन तब इक्वल हो सकती है जब वो एक्स प्लस वाई का जो एडिशन है, सम है, वो एन के इक्वल हो। अभी अभी जो हमने थर्ड कंडीशन यहाँ पे पढ़ी है, जो एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई कब होता है, वो तभी होता है जब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन हो या फिर एक्स और वाई दोनों इक्वल हो। तो सेम यहाँ कंडीशन हमारे पास एक क्वेश्चन आया है इस तरीके से, 15C3R इज इक्वल टू 15CR+3 देन फाइंड R, मतलब हमें R फाइंड करना है। यहाँ पे हमें कंडीशन पता है कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल है। सो इक्वल तभी होगी, यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि 3R इज इक्वल टू R प्लस 3 तो नहीं होने वाला। यहाँ पे जो कंडीशन मिल रही है हमें यहाँ पे वो ये मिल रही है, क्योंकि हमें पता है इसमें से सिर्फ दो ही कंडीशन है फॉलो हो सकती है, या फिर 3R इज इक्वल टू R प्लस 3 हो या फिर 3R प्लस R प्लस 3 जो हो वो 15 के इक्वल हो। यही दो कंडीशन हमारी थी। सो हम दोनों केस लेते हैं, हम पहला केस लेते हैं, दोनों केस को एक साथ सॉल्व करते हैं। जो हमारी पहली कंडीशन हो सकती है वो 3R इज इक्वल टू R प्लस 3 हो सकती है, और ये हो सकता है कि 3R प्लस R प्लस 3 इज इक्वल टू 15 हो। ठीक है, हमने पिछला जो कंडीशन अभी पढ़ा था यही दो कंडीशन हो सकती है। अगर हम इस कंडीशन को लेते हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे ये R जब इधर आ जाएगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो 2R इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 15, सो 4R प्लस 3 इज इक्वल टू 15 देन 4R इज इक्वल टू 12, सो 4R इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 3/2 होने वाला है, और R इज इक्वल टू यहाँ पे 3 होने वाला है। और हमें यहाँ पे ये भी पता है कि जो R की वैल्यू होती है कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। हम कोई भी चीज़ कभी, ये तो है नहीं कि हम आधा चीज़ लेंगे, कभी भी जो होती है नंबर ऑफ वे जो होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, वो हमेशा हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में लेते हैं, ना वो निगेटिव हो सकती है ना वो फ्रैक्शन हो सकती है। सो यहाँ पे R की ये वैल्यू तो यहाँ पे कंसिडरेबल हो नहीं सकती। सो जो हमारा आंसर होगा वो R इज इक्वल टू 3 होने वाला है। सो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको समझना जरूरी था कि वो मैंने कंडीशन था, तो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक डिस्कस करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं कोई भी हॉल में हमारे पास n पर्सन्स हैं, ठीक है, उन्होंने, उन सभी पर्सन्स ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, ठीक है, विथ अदर एवरी पर्सन। सो वहाँ पे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आते हैं, मतलब कितने हैंडशेक्स हुए वहाँ पे। सो ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है NC2 इज इक्वल टू NN-1/2। ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पर और मजबूत होगी चीज़ें। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो हुए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो हमारे यहाँ पे हुए हैं वो हुए हैं 210, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि उस हॉल में कितने सारे मेंबर्स थे, यानी हमें एन फाइंड करना है, ठीक है। अब एन कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है NC2 इज इक्वल टू NN-1/2, ठीक है। तो हमें पता है कि जो NC2 की वैल्यू होगी वही 210 होगी, ठीक है, ये बात है तो क्लियर होनी चाहिए कि जो 210 आया, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आया है, वो NC2 के इक्वल होगा, और NC2 किसके इक्वल होगा, NN-1/2 के। सो हम इसको मेथड को थोड़ा सा तोड़ें, NN-1/2 करें इज इक्वल टू 210, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं NN-1 इज इक्वल टू 420। अब 420 को हम क्या लिख सकते हैं, NN-1 इज इक्वल टू 21×20, 420 को हम ये लिख सकते हैं। सो हमारी जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 21। क्यों, क्योंकि ये फैक्टोरियल में बदल चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि 21×20 फिर उसका कैलकुलेशन आप अगर आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसे फैक्टोरियल में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ फैक्टोरियल
एन होगा इसकी और फिर 21, तो यानी एन की जो वैल्यू आ रही है वो 21 के इक्वल आ रही है। सो हमारे पर्सन दूसरे ट्रिक की ओर, लेकिन दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा, मैं आपको कम से कम दो मिनट थोड़ा सा आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बीच में जो डिफरेंस होते हैं, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है, कई लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। पहले समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। कोलिनियर, थोड़ा सा आपको साफ दिखे, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिन ऐसे पॉइंट्स आप ऐसे समझिए, आप मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी तीन पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब इनको समझने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो कोलिनियर पॉइंट की जो डिफिनेशन होती है वो इस तरह की होती है कि थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स दैट अकर्स या फिर दैट लाई ऑन ए सेम प्लेन, मतलब सेम लाइन या सेम प्लेन पे अगर लाई कर रहे हो, मतलब अगर बने हुए हो किसी भी सेम लाइन पे या फिर सेम प्लेन पे, सो ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि हम एक लाइन यहाँ खींचते हैं और तीनों ही पॉइंट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास तीन पॉइंट है, P1, पॉइंट P2 एंड पॉइंट P3, ये तीनों ही पॉइंट, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये तीनों ही पॉइंट सेम लाइन और सेम प्लेन पे हैं, ठीक है। सो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं आपसे बात पूछूं यहाँ पे, क्या कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स पहली बात की जो तीन होते हैं, तीन लाइंस अगर सेम प्लेन पे हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है कोलिनियर पॉइंट्स से? नो, आपका आंसर होगा नो, वी कांट फ्रॉम ट्रायंगल, क्योंकि हम ट्रायंगल बना ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो स्ट्रेट लाइन है और एक ही लाइन बनेगी अगर हम ट्रायंगल बनाना चाहें, और ट्रायंगल जो हमारी होती है वो तीन लाइन सेगमेंट्स से जुड़ के बनती है, सो यहाँ पे थ्री लाइन सेगमेंट्स तो बन नहीं सकते, इसलिए कोलिनियर पॉइंट से आप ट्रायंगल तो नहीं बना सकते। क्या आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो? जी हाँ, हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी फॉर्म है, ये P1 से P2 और P2 से P3 ये सभी स्ट्रेट लाइन है, सो हमारी स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी, उसके आगे बढ़े और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी समझ लेते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इसका जस्ट उल्टा, कि मतलब थ्री पॉइंट्स जो कि एक प्लेन पे ना हो, थ्री पॉइंट्स सबसे ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स हो वो सेम प्लेन पे ना लाई करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ये है एंड अदर पॉइंट ये एंड अदर पॉइंट ये, तीनों ही पॉइंट है। अगर हम देखें, अगर एक लाइन, अगर हम एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं अगर मान लेते हैं, सो हमें पता चलेगा कि तीनों कोई भी अपनी तीन पॉइंट्स एक लाइन सेगमेंट एक प्लेन पे तो नहीं बन रहा। अगर हम इनको ज्वाइन करें, ये देखिए ज्वाइनिंग हुई, ये ज्वाइनिंग हुई, ठीक है, ये ज्वाइनिंग हुई। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को देखा, आगे कोई और भी पॉइंट्स अगर हमारे पास हो, मान लेते हैं यहाँ पे हो, सो उनको भी अगर हम इस कुछ इस तरीके से ज्वाइन करें, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करते चले गए, तो हमें क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक लाइन पे तो नहीं, एक प्लेन पे तो नहीं। अगर हम ये प्लेन अगर इसका बेस ले तो अगला जो बेस है वो बदल जा रहा है, यानी चारों ही पॉइंट्स या फिर उनसे भी ज़्यादा पॉइंट्स सेम बेस या फिर सेम प्लेन पे नहीं है, सेम लाइन पे नहीं है। सो ऐसे पॉइंट्स हमारे नॉन कोलिनियर होते हैं, कि क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर। अब एक अलग क्वेश्चन, क्या नॉन कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल बना सकते हैं? जी हाँ, ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि हमें तीन पॉइंट, देखिए यहाँ पे बनता भी है ट्रायंगल, बन भी रहा है, क्योंकि हमें तीनों अलग अलग लाइन सेगमेंट मिल जाते हैं, ट्रायंगल विल फॉर्म। ये छोटी छोटी चीज़ थी, इसको समझना जरूरी था। फिर आगे बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। अब इसी के नीचे अपना कॉम्बिनेशन का एक अदर ट्रिक चालू हो रहा है। ट्रिक ये है कि हम मान लेते हैं हमारे पास एन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब वो दो तीन चार पाँच जितने भी हो एन पॉइंट्स हैं, ठीक है, एन नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर को मैंने डिफाइन कर दिया हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कैसे पॉइंट्स होते हैं वो, ठीक है। अब हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्या इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से स्ट्रेट लाइन बन सकती है? बन सकती है, क्योंकि कोई भी दो लाइन अगर तीन पॉइंट है तो हम उनमें से कोई भी दो पॉइंट को अगर एक सेम प्लेन पर कर दें तो हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, मैं बताया था आपको, क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, जी हाँ, अगर जो पॉइंट्स हो वो मोर देन थ्री हो। यहाँ पे अगर चार पॉइंट्स है, देखिए हम ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल भी हमारा यहाँ बन रहा था फोर लाइन से, सो ठीक है, हमारी तीनों चीज़ें यहाँ बनने वाली है। अब हमसे ये मैं आपसे पूछूँ कि कितने बन सकते हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। सो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है NC2, जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो किसके इक्वल होगी? NC2 के इक्वल होगी। N कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट हो सकते हैं, उसको आप फैक्टोरियल N-2 और इनटू 2 फैक्टोरियल के आप
मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन हो, कितने ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हो सकते हैं NC3 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल वो है थ्री पॉइंट से बनते हैं, ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल का मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया था, और जो क्वाड्रिलेटरल हमारे बन सकते हैं क्योंकि हमने बताया क्वाड्रिलेटरल भी यहाँ फॉर्म होगा, सो क्वाड्रिलेटरल कितने फॉर्म हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, सो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो NC4 हो जाएगा। ये तीनों ही ट्रिक आपको याद रखने होंगे। और मैं क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा जगह ना लूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एन की वैल्यू अगर मान लेते हैं 16 है, ठीक है, हमारे पास 16 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एन की वैल्यू हमारे पास अगर 16 है, हमारे पास 16 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो हम कितने स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस कितने बन सकते हैं, फॉर्मूले पर रखते हैं NC2 = 16C2, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 16 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या हो सकता है, 16 - 2 का फैक्टोरियल (2) का फैक्टोरियल, और फिर जो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 120, ठीक है, 120 स्ट्रेट लाइंस हम यहाँ बना सकते हैं। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को, हमारे पास गिवन कितने भी स्ट्रेट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, उनमें से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं और स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़। यहाँ पे हमारी जो अगली कंडीशन आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे पास n पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं कोई भी हमारे पास n पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में से m जो है, मतलब m पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब मैंने कोलिनियर पॉइंट्स आपको भी बहुत डिस्कस बताया था, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मतलब कि वो पॉइंट होते हैं वो सभी के सभी एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, और जो हमारी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, वो अलग अलग प्लेन में होते हैं। सो यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ रही है कि हमारे पास n पॉइंट्स हैं, उनमें से कुछ m जो है वो कोलिनियर है, ऐसी कंडीशन में जो हमारे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनते हैं वो कितने बनेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक, वो कितने बनेंगे, वो इतने बनेंगे कि एन सी, यहाँ पे जो चीज़ें बनने वाली हैं वो MC2 plus 1। यहाँ पे आप अगर स्ट्रेट लाइंस आपको बनानी है तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, ये ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको बोल दिया जाए नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे क्या कंडीशन लगने वाली है, यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो NC3 - MC3, ठीक है, ये दो कंडीशन आपको फॉलो करनी होंगी अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन आ रही हो कि हमारे पास n पॉइंट्स हैं उनमें से m जो है वो कोलिनियर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, मानते हैं हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोई भी 11 पॉइंट्स हैं, उनमें से 5 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, और कोलिनियर, ठीक है, अब हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म, ठीक है, कितने ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, सो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला हमारा पता है हमें कि क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन n है वो कितना है, 11 है, m कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, तो NC3 के हिसाब से रखेंगे अगर, तो 11C3 - 5C3, ठीक है, यहाँ पे जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा आंसर आ जाएगा, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 11 × 10 × 9, 3 × 2 × 1, अगर आगे आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, −5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, अगर आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 165 - 10 = 155। 155 वेज में हम इतने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, मतलब इतने नंबर्स ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं।
आपको बहुत छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत बेसिक सा ट्रिक है, उसको अगर हम समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जो बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए पहले हम फैक्टोरियल माइनस करते हैं, फिर उसके बाद कुछ बहुत बड़ा सा सम हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसको किस तरीके से छोटा करते हैं, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है 10c3 की, ठीक है। अब इसको अगर हम एक तरीके से निकाल सकते हैं, वो किस तरह से निकाल सकते हैं, जो हमने अभी पूरा फैक्टर जो पढ़ा है हमने फॉर्मूला कि फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, इतने बड़े चीज करने से थोड़ा सा हमें बचना होगा। किस तरह से बचना होगा, अब हमें करना क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे 10 लिखा है, नीचे 3 लिखा है। अब हम इस तरीके से करते हैं कि न्यूमरेटर जो हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 10 है फिर नीचे 3 लिखा हो, तो हम क्या करेंगे कि इस 10 को 3 टाइम्स एक्सटेंड करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं 10 × 9 × 8, ठीक है। और जो नीचे हमारा जो फंक्शन है वो 3 था ना, तो उस 3 को हम 1 तक लेके चले जाते हैं, 3 × 2 × 1, बस। अब हम इसको अगर सॉल्व कर लेंगे हमारा 10c3 की वैल्यू आ जाएगी, किस तरह आ जाएगी, इसको काट देते हैं 3। सो अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 2 से यहाँ 10 कट जाएगा 5 × 5 = 15 एंड 15 × 8 = ये आ जाएगी 120। ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए किस तरीके से मैंने किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर और चीज़ें क्लियर आएंगी समझ में। मान लेते हैं कि हम 11c2 लेते हैं, ठीक। 11c2 की वैल्यू क्या होगी, हम 11 को, अब यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी हम 11 को 2 बार एक्सटेंड करेंगे। पहला एक्सटेंशन ये 11 × 10, यहाँ पे 2 टाइम्स एक्सटेंड हो गया। अब आगे नीचे हम करें तो 2 को 1 तक लेके जाना है, 2 × 1, बस 1 तक, मतलब लास्ट तक जहाँ तक वो जाए। अब यहाँ पे 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट, 5 हो जाएगा। अब 11 × 5 = 55, ये हमारा आंसर आ गया। सो ये एक छोटा छोटा टेक्निक है, ट्रिक है कि आप जल्दी से सी जो कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू होती है बिना किसी आप फार्मूला लगाए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने कॉम्बिनेशन को हर तरीके से सॉल्व कराया, कई सारे ट्रिक्स आपको बताया, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। सो आज जो हमारा कॉम्बिनेशन का जो लेक्चर प्रोसेस है वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ है। यहाँ पे जो हमारा आगे का टॉपिक होगा वो फिजिक्स का होगा, वेव मैं आगे पढ़ाऊँगा क्लास 11th की और क्लास 12th की भी, दोनों की जो साथ में उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन उसके लिए उससे पहले जो मेरी उसके साथ जो मैथ्स की जो वीडियोस आएंगे वो इसके आगे भी मैं डालूंगा कि आपके लिए जो अभी कॉम्बिनेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो अभी क्वेश्चन सीरीज बाकी है, जो क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, उसके इससे पहले मैंने मैट्रिक्स का आपको दिया था, यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सीट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, लेक्चर के हिसाब से मैं वीडियो दूंगा, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे हम वेव की तरफ बढ़ेंगे, उसके आगे जब हम डेरिवेशंस कई सारे करेंगे, तो उसके साथ साथ मैं जो डिटर्मिनेंट का टॉपिक हमारा बचा हुआ उसको भी हम मैथ में कवर करेंगे। सो जुड़े रहिए, लगातार मेहनत हो रही है, लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे हम हर एक लेक्चर जहाँ तक हमें सही लगेगा, फिजिक्स के साथ साथ मैथ भी। अभी तो फिलहाल मैथ का हमारा ये टॉपिक जो लेक्चर जो कॉन्सेप्ट था हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं अगले लेक्चर में आपको मैथ के लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा क्वेश्चन सीट, और उसके बाद आप फिजिक्स जो मेरा यहाँ से अगले दिन से चलेगा, जो अगला वीडियो फिजिक्स का मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंडिया पोर्टल पर। सो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लास्ट तक देखिए, वेव बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं ख़त्म करूँगा, किस तरीके से आपको ईजिएस्ट वे में कहीं भी आपको ना खुद बोर होगा पढ़ने में, ना मुझे कोई हिचकिचाहट होगी आपको पढ़ाने में, बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।